नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो सेज यूट्यूब चैनल पर मैं एस्ट्रो गुरु मृगांक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने पिछले वीडियो में हमने शुक्र ग्रह के उपायों के बारे में चर्चा की थी। आज हम वैदिक ज्योतिष में देव गुरु कहे जाने वाले बृहस्पति ग्रह के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार के रोमांचक विषयों की जानकारी प्राप्त करने और हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए नीचे दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को देव गुरु कहा गया है। गुरु को धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान का कारक माना जाता है। बृहस्पति ग्रह शांति से संबंधित कई उपाय हैं जिन्हें करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति से धर्म, दर्शन, संतान और धन आदि की प्राप्ति होती है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व का कारक माना गया है। इसका गुण विशालता, विकास और व्यक्ति की कुंडली और जीवन में विस्तार का संकेत देता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो संतान प्राप्ति में बाधा, पेट संबंधित बीमारी और मोटापा आदि की परेशानियां होती हैं। तो यदि आपकी कुंडली में भी बृहस्पति पीड़ित है और आपको उसके अशुभ प्रभाव मिल रहे हैं तो बृहस्पति ग्रह शांति के जो हम आगे बताने जा रहे हैं ये उपाय अवश्य करें। इन कार्यों को करने से आपको बृहस्पति संबंधी शुभ फलों की प्राप्ति होगी और अशुभ प्रभाव दूर होगा। तो आइए जानते हैं बृहस्पति ग्रह को अनुकूल बनाने के क्या उपाय हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेशभूषा एवं जीवन शैली से जुड़े बृहस्पति ग्रह के उपाय की। आपको बृहस्पति ग्रह की यदि अनुकूलता पानी है तो पीला, क्रीम और ऑफ वाइट अर्थात हल्का सफ़ेद, बिना चमक वाला सफ़ेद, ऐसे रंगों का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करना चाहिए। किसी गुरु, ब्राह्मण, विद्वान तथा अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए। यदि आप महिला हैं तो अपने पति का भी सम्मान करें। बृहस्पति ग्रह की शांति के लिए अपनी संतान और विशेषकर अपने बड़े भाई से भी अच्छे संबंध बनाकर रखें। किसी से झूठ ना बोलें और ना ही कोई ऐसा वादा करें जिसे आप पूरा ना कर पाएं। अपनी कुंडली में बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए जो अज्ञान आपके पास है वो दूसरों के समक्ष बांटें। इसके साथ ही आप भगवान शिव और वामन देव की आराधना कर सकते हैं। शिव सहस्रनाम स्तोत्र और श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ भी आप कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह के लिए कौन सा व्रत आपको करना चाहिए बताते हैं। व्रत एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बिना पूजा पाठ का महत्व थोड़ा कम ही माना जाता है। इसलिए बृहस्पति ग्रह का शुभ आशीष, शीघ्र विवाह, धन प्राप्ति, विद्या आदि की प्राप्ति के लिए गुरुवार के दिन व्रत धारण करें और पूरे नियम आदि से इस दिन पूजा पाठ करें, श्री राम की उपासना करें। अब जानते हैं क्या दान कर सकते हैं। हम प्राचीन काल से ही सुनते आ रहे हैं कि दान और धर्म बहुत पुण्य चीज़ होती है। दान करने से व्यक्ति को कष्टों से छुटकारा मिलता है। इसलिए बृहस्पति संबंधित वस्तुओं का दान गुरुवार के दिन बृहस्पति की होरा और गुरु के नक्षत्रों जैसे कि पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद में शाम के समय अर्थात संध्या काल में करना चाहिए। इसके अलावा आप केसरिया रंग, हल्दी, स्वर्ण, चने की दाल, पीत वस्त्र यानी पीले वस्त्र, कच्चा नमक, शुद्ध घी, पीले पुष्प एवं पुखराज रत्न तथा किताबें इत्यादि का दान कर सकते हैं। बृहस्पति के प्रभाव को अनुकूल बनाने के लिए गुरु यंत्र की स्थापना गुरु की होरा और उसके नक्षत्र में आप कर सकते हैं या इसको धारण भी कर सकते हैं। साथ ही इनके शुभ परिणाम प्राप्त करने हेतु आप पीपल की जड़ को गुरु की होरा और गुरु के नक्षत्र में धारण कर सकते हैं। हम जानते हैं बृहस्पति के लिए रुद्राक्ष। गुरु ग्रह की शुभता प्राप्त करने के लिए और विशेष कृपा प्राप्ति के लिए आप पांचमुखी या 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। पांचमुखी रुद्राक्ष धारण करने हेतु आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। दो मंत्र आपको बता रहे हैं, इनमें से आप किसी भी एक का जाप कर सकते हैं। ओम ह्रीम नमः और ओम ह्राम आम क्षोम सह। इसके अलावा यदि आप 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो उसके भी दो मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। पहला मंत्र है ओम ह्रीम नमः और दूसरा है ओम रम मम यम ओम। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह के मंत्र हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। बृहस्पति देव से शुभ आशीष पाने के लिए गुरु के बीज मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण आप इस प्रकार कर सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। वैसे तो गुरु मंत्र को कम से कम 19,000 बार उच्चारण करना चाहिए,
परंतु कलयुग में 4 गुना विधान करने के कारण आप 76,000 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपको गुरुदेव की कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। साथ ही एक अन्य मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पत्यै नमः, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना बृहस्पति ग्रह को अनुकूल बनाने के क्या उपाय हैं। हम आशा करते हैं कि हमारा द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के लिए लाभदायक रही हो। अपने अगले वीडियो में हम आपके साथ बाकी सभी ग्रहों के उपाय और उन्हें खुश करने के अर्थात प्रसन्न करने और अनुकूल बनाने के तरीकों की चर्चा करेंगे। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से पुनः मिलने का वादा करते हुए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।